यो बट वेलकम बैक टू सिद्धार्थ गेमिंग। सबका फिर से स्वागत है सिद्धार्थ गेमिंग। तो तुम्हारा होस्ट आज स्पाइडे है भाई। तुम लोगों के साथ मैं आज आने वाला हूँ यहाँ पे जिम, क्योंकि मेरे को बनानी अपनी थोड़ी सी बॉडी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी थोड़ी सी लो होती जा रही है, तो फटाफट से चलते हैं पंप बॉडी जिम में। यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे। ये देखो डोले शोले वाले अंकल भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ए तू कहाँ घुसा चला आ रहा है? तेरी बॉडी देख, मेरी बॉडी देख, एक शॉट मारूंगा फेंक जाएगा। अरे अंकल बॉडी की कौन सी बात है, मेरी कौन सी खराब है? ये देखो मेरे डोले शोले आपसे जैसे तो है ही, थोड़ी थोड़ी बस थोड़ी से कम है, क्योंकि मैं स्पाइडी हूँ ना, मेरे हाथ पतले पतले होते हैं। एक शॉट मारूंगा अंदर घुस जाएगा। ये देख मेरा डोला नूब लेवल के स्पाइडी। कभी तूने गॉड लेवल का स्पाइडी देखा है आज तक? अंकल ये क्या होता है, गॉड लेवल का स्पाइडी, नूब लेवल का स्पाइडी? अरे मैं तो स्पाइडरमैन जानता था, ये नूब गॉड प्रो लेवल कब से आ गई? मैं भी तो बॉट लेवल का स्पाइडी हूँ। हाँ बिल्कुल सही बोला तूने, तू बॉट लेवल का स्पाइडी ही है। अरे सॉरी सॉरी अंकल, बॉट लेवल नहीं गॉड लेवल बोलना चाह रहा था मैं। तूने कभी गॉड लेवल का स्पाइडी भी देखा है जो अपने आप को गॉड लेवल का स्पाइडी बता रहा है? बॉट भग जा यहाँ से जल्दी। गाइज इन अंकल ने तो मेरी कर दी बेइज्जती। ये गॉड प्रो और प्रो लेवल क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है। तुम लोग गाइज मेरी जल्दी से गॉड लेवल बनने में हेल्प करो। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता देना नूब गॉड और प्रो लेवल क्या होती है, हम इसको जिससे पता चल जाए अब मेरी गॉड लेवल कौन कराएगा। भैया यहाँ पे कौन है लॉस एंजेलिस में जो मेरी हेल्प करने वाला हो? कोई है क्या जो मेरी हेल्प करेगा? आंटी आप करोगी क्या मेरी हेल्प? तो आंटी अरे ये क्या होने लगा मेरे सामने, ये कौन है बब्बा जैसा बुढ़ा बुढ़ा अंकल, ये कौन है? अरे स्पाइडी पुत्र तू मुझे नहीं जानता, मैं ओडन द फादर ऑफ गॉड्स हूँ, तू मुझे नहीं पहचानता? अरे दद्दू आप कोई भी हो मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात बताओ क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे गॉड लेवल का स्पाइडी बना सकते हो क्या? जब पुत्र चल मेरे साथ, मैं बनाऊंगा तुझे गॉड लेवल का स्पाइडी। अरे आप तो जादू वाले दद्दू हो, ये कहाँ ले आए मुझे एकदम से? ये कौन सा ट्रैक है, यहाँ पे तो बड़ी विंडमिल है, इसमें मुझे क्या करना होगा? अरे फ्रैंकलिन पुत्र यहाँ पे तुझे यहाँ से ये रेस कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद तुझे तेरी लेवल मिलेगी, एक प्रो लेवल में पहुंचेगा। अभी तू नूब लेवल का स्पाइडी है, अभी प्रो लेवल का बनेगा, उसके बाद गॉड लेवल का बनेगा। और ये तेरे चैलेंजर्स हैं रेड सुप्रीम गॉड हल्क, अल्ट्रॉन वी और स्पाइडी, ये सब एविल काम के लिए पावर लेने आए हैं। और मैं देखो सबको पावर देता हूँ, एविल बंदों को भी देनी पड़ती है मुझे और अच्छे आदमियों को भी देनी पड़ती है मुझे। दद्दू लेकिन ये तो गलत काम के लिए यूज करेंगे, मेरे को क्या है, मेरे को तो अच्छे काम के लिए चाहिए, मुझे फटाफट से दे दो। अरे इतनी आसानी से पावर थोड़ी मिलती है बॉट स्पाइडी, देख मैं कंप्लीट करूंगा, मुझे पावर मिलेगी, मैं ये पैंजर से कंप्लीट करूंगा, ये सब बॉट है, पैंजर कभी टूटता ही नहीं है, तुरंत कंप्लीट हो जाएगा मेरा तो। देखा स्पाइडी पुत्र ज्यादा होशियार बनने का क्या अंजाम होता है, अब इसने पेंजर उठा लिया, अब देख मजे कितने मजे आएंगे अपन को। कद्दू पेंजर तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, पेंजर में क्या मजे आएंगे, पेंजर तो तुरंत पार कर लेगा ना। इंजीन पुत्र तुझे भी नहीं पता क्या, पेंजर सबसे स्लो होता है और इसमें फास्ट गाड़ी चाहिए, और क्रम भी देखना है कि कहाँ से पहले निकलना है कहाँ से बाद में निकलना है, उस मोटी बुद्धि को क्या पता कि कहाँ से निकलना है। देख वो मोटी बुद्धि फेल हो गया, अब अल्ट्रॉन की बारी, अल्ट्रॉन तू जा फटाफट से। कद्दू मैं जाता हूँ, मेरे तो सबसे छोटी गाड़ी लूंगा, क्योंकि सबसे छोटी गाड़ी सबसे तेज होती है, इन लोगों को कुछ पता नहीं है, ये मोटी बुद्धि हल क्या ही पार करेगा, इसको क्या करना है पावर का, मुझे पूरी दुनिया पे राज करने के लिए पावर चाहिए थी। मेरी गाड़ी देखो कितनी आगे निकल आई है, क्या हो रहा है, अरे मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, अरे बहुत गंदा हो रहा है मेरी गाड़ी के साथ, ये क्या हो रहा है, कोई बात नहीं मैं बैक में निकल जाऊंगा। अरे मोटी बुद्धि तू यहाँ पे क्यों खड़ा है, मेरी गाड़ी बर्बाद हो गई है फुल्ली, लेकिन मेरी गाड़ी फिर भी चल रही है, ये क्या हुआ मेरी गाड़ी के साथ। स्पाइडी पुत्र एक और आउट, अब तीसरे की बारी, जा स्पाइडी तू जा फटाफट से, तू जा। तो मैं जाता हूँ, मैं तुरंत कर लूंगा फटाफट से, मैं तो ये वाली गाड़ी लूंगा ना जेम्स बॉन्ड वाली, इसमें नॉस भी है, लोगों को तो पता भी नहीं, जाके बूस्टर भी देना होता है प्रेस करके, देखो मैं कितनी आगे आ गया गाइस, अब तो मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। ये देख अल्ट्रॉन की टूटी गाड़ी रखी हुई है, लेकिन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा? अरे मैं तो इतनी फास्ट गाड़ी लेके आया था ना, ये क्या दिक्कत हो रही है? अरे मैं फिर भी निकल जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो मकड़ा हूँ ना, मकड़ा मकड़ा भाई भाई होते हैं, आराम से निकल जाऊंगा मैं तो। मेरी गाड़ी में तो आग लग गई, ये क्या हो गया, लो मेरी गाड़ी तो फटने वाली है गाइस, मैं तो हार गया यार, शिट। पर
स्पाइडी पुत्र, एक और आउट, अब तू लास्ट बचा है। इसकी गाड़ी तो वैसे भी पटने वाली है, थोड़ी और मजा लेते हैं अपन इसको देख के, उसके बाद फिर तेरी बारी है, तू जाना ठीक है। इसकी गाड़ी तो फट चुकी है, अब तू फटाफट से जा और पार करके आ, और तुझे पावर मिल जाएगी और सूट भी मिल जाएगा। तो मैं अभी हाल पार करके दिखाता हूँ आपको, मेरे को पता है कौन सी गाड़ी लेनी होती है। बैट मूवी लेनी होती है, इसमें बूस्ट भी रहता है और इस गाड़ी को कोई फोड़ भी नहीं सकता क्योंकि इसकी हेल्थ 10,000 होती है और इन लोगों की गाड़ी की हेल्थ सिर्फ 500 या 1,000 ही थी। अब फटाफट से मैं बैग जाके बूस्ट लेता हूँ और उसके बाद इसको कम्प्लीट करके आपसे फिनिश लाइन पर मिलता हूँ। फिनिश लाइन के मिलने के बाद मुझे पावर भी दे देना और मुझे नूब लेवल से प्रो लेवल का स्पाइडी बना देना। लेकिन ये मेरी गाड़ी के साथ क्यों हो गया, मेरी गाड़ी तो पलट गई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मेरी गाड़ी की तो 10,000 हेल्थ है ना, मैं आराम से पार कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। स्पाइडी पुत्र दिमाग लगा, आराम से खेल, गाड़ी से कुछ नहीं होता, तुझे आराम से पार करना होगा। एक बार सोच पहले कहां से निकलना है, हमेशा बीच में से ही नहीं निकल सकते, विंडमिल अलग अलग जगह लगे हैं, हर बार अलग जगह से निकलना है, पहले जगह ढूंढ कहां से निकलना है उसके बाद निकल, नहीं तो फेरी गाड़ी भी फूट जाएगी और तुझे पावर भी नहीं मिलेगी और तू नूब लेवल का स्पाइडी रह जाएगा। अरे यार गाइस, दद्दू की बात तो सही है, दद्दू सही कह रहे हैं, रुक जाओ मैं यहाँ से बूस्ट दे के निकलता हूँ। उसके बाद अब यहाँ से नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे तो बीच में ही विंड मिल लगे हैं और बीच में से हमेशा नहीं निकल सकते, दद्दू ने यही कहा है। तो अब फटाफट से अपन को साइड में रास्ता ढूंढनी होगी। अच्छा अब इस साइड से निकल सकते हैं, ओके तो मैं गाड़ी सीधी करता हूँ, यहाँ से अपन फटाफट से निकल जाते हैं आराम से क्योंकि यहाँ पे तो बीच में ही विंड मिल लगा है, बीच में से अपन निकल ही नहीं सकते। तो दद्दू सही कह रहे थे, यहाँ से निकलते हैं अपन फटाफट से, यहाँ पे कोई विंड मिल भी नहीं है और यहीं से रास्ता निकल रही है, बीच में से निकलेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। फटाफट से बाहर निकल गया, लो लास्ट वाले विंडमिल पे भी पहुंच गया हूँ, ग्रीन साइड पे पहुंच गया हूँ, रेड साइड मैंने पार कर दिया। लो भाई फाइनली रेस खत्म भी होने वाली है, मेरे को पावर भी मिल जाएगी और मैं प्रो लेवल का स्पाइडी भी बन जाऊंगा। नाइस, दैट्स माय बॉय स्पाइडी, आजा फटाफट से मैं तेरे ऊपर जादू कर दूं और तेरे को पावर भी दे देता हूं क्योंकि तू हकदार है इसका। गाइस मेरे को पावर मिलने वाली है, मेरा सूट भी अपग्रेड हो गया है, मैं तो प्रो लेवल पे पहुंच गया हूँ। अभी मेरी पावर तो मिली नहीं, लेकिन दद्दू मेरे को पावर भी तो दो। अच्छा पावर भी मिल गई, अब क्या करना होगा दद्दू, गॉड लेवल के कैसे बनेंगे? चल फटाफट से गॉड लेवल के बनने चलते हैं। अरे प्लेन को क्या हुआ, कोई बात नहीं, अपन चलते फटाफट से गॉड लेवल का बनने। ले तेरे तीन ओपोनेंट, तू और ये है नेक्स्ट रेस, यहाँ पे तुमको बाइकों से करना होगा। पहले इस वाले बर्गर वाले उससे निकल के लैम्बोजी के ऊपर से जाके इस वाले ट्रैक के ऊपर चढ़ाने के बाद ये टॉयज को तुम गिरा भी सकते हो मशीनों को, या उनके बगल से भी निकल सकते हो। और लाइफ इन्वेंटर का एक कोई भी साइड गिरा के निकलना होगा। यहाँ से पार करते हुए यहाँ से गाड़ी उचकानी होगी, इसके एक साइड के अंदर से जाके एक साइड के ऊपर से जाके ये टायर नहीं गिरेंगे तो इनको बगल से पार करना होगा। इन फिट वालों को गिरा सकते हो, यहाँ से ऊपर चढ़ के इसके नीचे आना होगा और इसके बाद ये वाले ट्रैक से पार करके इन बोलों के पास पहुंचना होगा। यहाँ पे तुम कार चेंज करोगे, बाइक से कार में जाओगे, उसके बाद आगे जाओगे, बस पार करोगे, ये येल्लो वाले के ऊपर से जाओगे, पर्पल वाले के ऊपर से जाओगे, येल्लो वाले के अंदर से जाओगे, यहाँ से उचक के अपनी गाड़ी यहाँ से तुमको उड़ानी होगी थोड़ी सा बूस्ट देके, उसके बाद पहुंच जाओगे इस रेड वाले पे। रेड वाले पे पहुंचने के बाद यहाँ से टायर के ऊपर कूदोगे और टायर से निकल के इस वाले चक्के के अंदर से जाओगे। अंदर से जाने के बाद यहाँ से पूरा इजी है और फाइनली तुम्हारी रेस खत्म हो जाएगी। तुमको पावर और सूट नहीं मिलेगा, मतलब सिर्फ सूट मिलेगा, पावर नहीं मिलेगी इस बार। तो इस बार कौन पहले जाएगा, रेड हल्की जाएगा? अनुबड़े मैं ही जाऊंगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रो हूं ना। देख अभी पार करके दिखाता हूं, वो तो पिछली बार गिर गया था गलती से, देख फटाफट से कितनी जल्दी पार कर लिया मैंने पहला पड़ाव। अब मैं दूसरे पड़ाव पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ से तो अपनी बाइक ऐसे ही चढ़ा दूंगा स्पीड में, मेरे को कौन गिरा पाएगा, ये कैसे गिराएंगे? अभी तो मैं उतर के अगर एक हाथ मारूँ ना तो वैसे ही पार हो जाएगा, वो तो चीटिंग नहीं करना चाहता हूँ मैं। आराम से देख बगल से निकलूंगा इन मशीनों के और निकलते। अरे ये क्या हुआ, आपने सही कहा था, ये सही में मोटी बुद्धि ही है, ऐसे थोड़ी निकलना होता है, उन मशीनों को तो गिरा के ही निकलना पड़ेगा। मैं जाता हूँ दद्दू, फटाफट से कंप्लीट करता हूँ, फिर मेरे को पावर दे देना, उसके बाद मैं फिर लॉस एंथोस पे कब्जा कर लूँगा। अब मैं इनको निकालता हूँ, देखो ऐसे मशीन गिरानी थी, ये नूबड़ा मोटी बुद्धि गिर गया। अब यहाँ से नीचे कूदना है, उसके बाद दद्दू ने बताया था इसको फोड़ के निकलना है, इन फुटबॉलों को भी गिराना है दद्दू ने कहा था। मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे जैसे दद्दू ने बताया था, आराम से कंप्लीट कर लूँगा, उसके बाद मुझे पावर मिल जाएगी, फिर मैं लॉस एंथोस पे हमला कर दूँगा अपनी फोर्स बुला के। फटाफट से यहाँ से नीचे चलते हैं, इस टायर से भी पुत्र इसका भी गेम बच गया, ये कुछ नहीं कर सकता। अब दूसरे स्पाइडर तू जा फटाफट से, तेरी बारी।
मैं जाता हूँ फटाफट से और कंप्लीट करूंगा। ब्लू कलर की बाइक लूंगा क्योंकि मेरा सूट भी ब्लू कलर का है। ब्लू मेरा फेवरेट कलर भी और लकी कलर भी है। अभी देखो मैं खत्म करता हूँ फटाफट से इस रेस को क्योंकि मैंने देख लिया है वहाँ से स्पीड में कुदाना है। ये बॉट ने थोड़ी धीमे कुदाई थी, अब मैं स्पीड में कुदा के तुरंत निकल जाऊंगा। ये टायर वायर तो मुझे रोक ही नहीं सकते क्योंकि मेरे पास ब्लू बाइक है। ब्लू बाइक मेरी फेवरेट है और मैं तुरंत पार कर लूंगा। ये धूम और ये मैंने पार कर दिया। देखो दद्दू मैंने पार कर दिया, अब तुमको मुझे पावर देनी ही होगी। उसके बाद मैं ईविल टीम में जाऊंगा। ईविल टीम वेनम की फेवरेट है मेरी, उसमें मुझे जाना है। उसके बाद मैं भी लॉस एंटोस पे कब्जा कर लूंगा। स्पाइडी पुत्र इसका भी गेम बच गया, अब तू फटाफट से जा और पार कर। मुझे पता है तुझे अच्छे काम के लिए पावर चाहिए इसलिए तेरे भगवान साथ देंगे। फटाफट से चला जा यहाँ से और उसको पार करके दिखा। हाँ दद्दू रुको, अभी हाल पार करके दिखाता हूँ। बस ये लैम्बो से ऊपर से निकल जाऊँ ना, नेक्स्ट पड़ाव पे पहुँच जाऊँ। लो मैं तो नेक्स्ट पड़ाव पे भी पहुँच गया। मुझे पता है कि वहाँ पे बूस्ट देना था लेकिन इन बॉटों ने गलत टाइम पे बूस्ट दिया और दो तो पहुँच ही नहीं पाए, एक ने बूस्ट ही नहीं दिया। तो मैं फटाफट से पार कर लूँगा लाइव इन्वेंडर को, एक तो तोड़ देता हूँ। इसके बाद ये टायरों पे पहुँचता हूँ, मैं फटाफट से पार कर लूँगा क्योंकि मैं पीरो लेवल का स्पाइडी हूँ, नूब लेवल का नहीं हूँ। अब इसके बाद मैं गॉड लेवल का मिल जाऊँगा लेकिन मुझे पावर तो मिलेगी नहीं। पावर के लिए क्या करना पड़ेगा दद्दू? मेरे पुत्र इतनी टेंशन क्यों लेता है? तुझे जितना बोला है उतना करना। पावर के लिए एक और लेवल कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद तुझे गॉड लेवल की पावर मिलेगी। ऐसे ही तू गॉड नहीं बन पाएगा ना। अरे दद्दू एक और लेवल, वो कितनी बड़ी होगी? इससे भी ज्यादा बड़ी होगी क्या? नहीं फ्रैंकलिन पुत्र, वो तो बिल्कुल छोटी सी होगी। बस छोटा ही सा काम करना होगा, थोड़ी सा ही काम करना होगा लेकिन साइकिल से करना होगा। और वो वाली अगर तू कंप्लीट कर लेगा तो तुझे तेरी पावर भी मिल जाएगी, नहीं तो सिर्फ गॉड लेवल का सूट ही मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखियो, पहले वाले के जैसा नहीं कि तुझे पावर भी मिल गई और सूट भी मिल गया। अब तुझे पावर के लिए एक अलग लेवल करनी होगी क्योंकि तू गॉड बनने वाला है। ओके दद्दू मैं समझ गया। लो भाई मैं तो दद्दू से बात करते करते बहुत आगे निकल आया हूँ। अब मुझे कितना करना है? बस थोड़ा सा करना है, यहाँ से फिट बॉलों पे कूदना है, उसके बाद वो ग्रीन वाले पे जाना है। उधर से मेरे को कार मिल जाएगी फिर तो मैं तुरंत से कर लूँगा। मेरा सूट वाइट कलर का है तो मैं वाइट कलर की कार लूँगा। इन लोगों के चक्कर में अपनी फेवरेट बाइक तो नहीं ले पाया लेकिन कोई बात नहीं, वाइट कलर की कार ले लूँगा। आईडी पुत्र रेस पे ध्यान दे, कलर पे ध्यान नहीं दे। अगर तू गिर गया ना तो सोच लेना तू गॉड लेवल तो बन नहीं पाएगा, प्रो लेवल ही रह जाएगा। हाँ हाँ दद्दू मैं कंसंट्रेट करता हूँ, टेंशन मत लो आप। वो तो कलर मेरे को पसंद है ना वाइट, इसलिए मैं वाइट कार की बात कर रहा था। रुक जाओ थोड़ी सी पीछे लेके यहाँ से गाड़ी उड़ा लूँ पहले बूस्ट देके, उसके बाद बताऊंगा आपको कि मैं कैसा बॉट बन रहा हूँ। बूस्ट मत यूज कर नहीं तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद अभी तुझे एक बार और बूस्ट यूज करना पड़ेगा। ए यार दद्दू कितना काम बताते हो, अब फिर से बूस्ट खत्म भी हो सकता है। पहले ही से शर्तें बता दिया करो ना अपनी सारी रेस के पहले की क्या क्या रहता है। आप एक एक करके शर्तें क्यों बताना चालू करते हो कि ये भी करना है वो भी करना है कम बूस्ट यूज करना है। ले 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 ले, इसमें भी मेरी गलती है। एक तो तेरे को मैं पावर दे रहा हूँ, ऊपर से तू मेरी को कह रहा है भी मैं पावर भी नहीं दूंगा और अपने गॉड लेवल के पावर यूज करके तुझे यहाँ से नीचे और गिरा दूंगा। ज्यादा गुस्सा मत दिला मुझे। नहीं नहीं दद्दू नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकल गया, वो मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। इट्स ओके, बच्चा समझ के माफ कर देना। आप अपनी गॉड लेवल की पावर यूज मत करना, मुझे पता है आपकी पावर बहुत खतरनाक है। आप अपनी पावर अपने पास रखो, मुझे मत दिखाओ, मैं ऐसे ही सही हूँ। मुझे रेस पे कॉन्सेंट्रेट करने दो, मैं थोड़ी सी रेस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा तो गिर जाऊंगा। बूस्ट देने दो पहले यहाँ से मुझे फटाफट से। देखा अब आया ना लाइन पे, बड़ा बात कर रहा था। बाप से बात नहीं करते बेटा, गॉड लेवल का ओडन हूँ मैं, एज अ फादर हूँ सबका। टेंशन मत ले, मैं अपनी पावरों का गलत इस्तेमाल नहीं करता किसी पे। टेंशन मत ले, मैं अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करता हूँ इसलिए तुम लोगों को पावर दे रहा हूँ। ईविल आदमियों को भी देना पड़ता है, नहीं तो मैं सिर्फ अच्छे आदमियों को देता। शर्तें हैं मेरी पावर की कुछ की, आपको सबको पावर देनी पड़ेगी जो भी ये लेवल कम्प्लीट करेगा। तू भी कर फटाफट से, तुझे भी दूंगा। हाँ हाँ दद्दू देखो मैं पार करता चला जा रहा हूँ। देखो कितना प्यारा बूस्ट दिया मैंने, लोग गोल चक्के के अंदर भी पहुँच गया लाइट वाले। अब तो मेरी रेस भी ख़त्म होने वाली है, मुझे फटाफट से सूट मिल जाएगा, पावर एक और बूस्ट करके मिल जाएगी। अरे ये उल्टी क्यों गई? आराम से आराम से आराम से, गिरना नहीं गिरना नहीं, प्यार से करेंगे, होले होले चलेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे जिससे गॉड लेवल का सूट मिलेगा। लो गाइस रेड वाले पे भी पहुंच गया, अब येलो वाला बचा है, उसके बाद सिर्फ नीचे कुदाना बचा है और मेरी रेस कंप्लीट हो जाएगी। चलो गाइस येलो वाले पे भी पहुंच गए हैं,
अब लास्ट में सिर्फ बैक करके नीचे को दाना है थोड़ी सी बूस्ट लेके। अब लास्ट बूस्ट बचा है, अगर भाई यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है तो मैं फेल हो जाऊँगा, लेकिन मेरे को भरोसा है मेरे ऊपर कि मैं कभी फेल नहीं होता ना। तुम लोगों को पता है ना स्पाइडी तुम्हारा कभी फेल नहीं होता ना। तो फटाफट से चलते हैं गाड़ी लेके स्पीड में और यहाँ से थोड़ी सा बूस्ट देंगे और ये लैब कम्प्लीट करेंगे। लो भाई सब लेवल तो हो गई कंप्लीट। दद्दू जल्दी से यहाँ पे आओ, मैंने लैब कंप्लीट कर दी। इट्स लाइक अ गुड मकड़ा है ना, तू तो मकड़ा है ना इसलिए बॉय नहीं बोल सकता। कोई बात नहीं, दैट्स लाइक अ गुड मकड़ा। ले फटाफट से अपना सूट ले, पावर नहीं मिलेगी, मैंने पहले ही बता दिया था। उफ दद्दू ये आपकी शर्तें, जल्दी फटाफट से सूट दो, फिर उसके बाद पावर के लिए भी रेस कराओ। इतना ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करो। ले तो फिर फाइनल लेवल पे आ गए। यहाँ पे देखो अब तुम लोगों को चार साइकिल मिलेंगी, चार तुम लोगों को। ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर ऐसे भी रहेंगे क्योंकि इन लोगों को एक भी बार नहीं जीते, इनका एक भी अपडेट हो जाता। आदमियों के ब्रिज से इन पुल को पार करके ट्रेन की पटरी से इसके अंदर से जाके, अब तुम लोगों की हाइट ज्यादा है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इन वाले सिलेंडरों के ऊपर से निकल के इन चक्रों पे रुकना होगा। फिर जब चक्रा उस साइड मुड़ेगा तो दूसरे चक्रे पे जाना होगा। फिर ऐसे तीसरे पे जाके इस बॉल से बच के रहना, ये बॉल खोपड़ी में घलेगी तो नीचे गिर जाओगे। उसके बाद सीधे डंडे से बच के रहना, अगर ये डंडा घलेगा तो भी तुम लोग नीचे गिर जाओगे। तो मैंने तुम लोगों को रूल समझा दिए हैं, फटाफट से आएगा स्पाइडी सबसे पहले इस बार। हाँ हाँ दद्दू मैं जाऊंगा सबसे इस बार पहले। ये लोग सब बोट है रेड वेड, ये लोग जाते हैं तो सब हार जाते हैं, देखना मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा तुमको, और उसके बाद फिर वेनम की टीम में जाऊंगा। अरे ये क्या हुआ, मैं तो स्टार्टिंग नहीं कर गया। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा था अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, आदमी को खुद की तारीफ कभी कभार नीचे गिरा देती है। मैं जाता हूँ दद्दू, देखना आप खत्म करके दिखाऊंगा, उसके बाद लॉस एंथोस पे कब्जा भी करके दिखाऊंगा। ये सब बॉट लोग हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना होता है, इन लोगों को पता नहीं है। ये मोटी बुद्धि इस बार पता नहीं सबसे पहले क्यों नहीं गया, मैं तो देखो जा रहा हूँ। अरे ये क्या हुआ, मैं तो फंस गया। कोई बात नहीं, मैं उठ के फिर से कंप्लीट करूंगा। अरे मेरी साइकिल क्यों गिर गई। इसलिए तो मैं इस बार पहले नहीं गया था, मैं देखना चाहता था कि इस रोड में कैसे क्या करना है। इस बार मैं तीसरे नंबर पे जाके पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगा। यहाँ आदमियों के ब्रिज से जाना था, उसके बाद लकड़े पे थोड़ा इंतजार करना था जैसे अल्ट्रॉन ने बोला है। अरे ब्रेक लगाना था, लेकिन ये क्या हुआ, मैं तो गिर गया। स्पाइडी पुत्र तीनों इविल आदमी गिर चुके हैं, अब तू जा, तू अच्छे काम के लिए पावर चाहता है, इसलिए फटाफट से निकल और कंप्लीट कर। मुझे तेरे पे भरोसा है कि तू कंप्लीट जरूर कर लेगा, क्योंकि तुझे अच्छाई के लिए अपनी पावर चाहिए। मैं तेरे को फिनिशिंग लाइन पे मिलता हूँ। ओके दद्दू, मैं अभी हाल कंप्लीट करके दिखाता हूँ, मेरे को तो सब पता है कहाँ पे क्या करना होता है, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ ना, गॉड लेवल का स्पाइडी हूँ, मुझे सब पता है। अरे अल्ट्रॉन भैया तुम यहाँ पे कैसे खड़े हो, मैं भी तुमको लिफ्ट दूँ क्या। बात नहीं अल्ट्रॉन भैया, मारो मत, मैं अभी निकल जाता हूँ। लो तो गाइस मैं तो पहुँच गया यहाँ पे मिसाइलों पे। अब दद्दू ने बताया था इन चरखों पे रुकना नहीं है, आराम से उतरना है, उसके बाद चरखे को फॉलो करते जाना है। अब ये चरखा तो लेकिन हमको बढ़ा ही नहीं रहेंगे, हमको खुद ही चलना होगा। कोई बात नहीं दद्दू, एक बार मैं पूरी शर्तें नहीं बताते, मेरे को अब याद आया है। अरे सॉरी 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 स्पाइडी पुत्र, मैं भूल गया था कि इन चरखों पे तुमको ही फॉलो करना होगा। वो चरखा घूमेगा लेकिन तुमको नहीं घुमाएगा, तुमको खुद घूम के वापस निकलना होगा। अरे दद्दू मेरे को याद था, आपको एक बार में सारी शर्तें याद नहीं रहती। कोई बात नहीं, मैं कंप्लीट कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं पूरा पार करने के बाद आपसे फिनिशिंग लाइन पे मिलता हूँ। इट्स लाइक अ गुड मकड़ा, चल फटाफट से फिनिशिंग लाइन पे पहुँच और मुझे मिल, ज्यादा मुझसे बात मत क्या करने, मैं परेशान हो जाता हूँ ज्यादा बात करके। दद्दू ये कौन सी बात होती है, बात करने से तो क्या है ना मन अच्छा अच्छा होता है। कोई बात नहीं, चलो फिनिशिंग लाइन पे मैं पहुंच ही गया हूँ, आप फटाफट से फिनिशिंग लाइन पे आ जाना। मैं इस लकड़े से थोड़ी बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि ये लकड़ा मुझे मार देगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी खड़ा हूँ, ये लकड़े के पास जाऊंगा। अब लकड़ा चला के चलो गाइस फटाफट से कंप्लीट करते हैं, और ये मेरा कंप्लीट हो गया, फाइनली मैंने पूरे कंप्लीट कर दिया। मेरे को पावर भी मिल जाएगी, गॉड लेवल का स्पाइडी का सूट भी मिल गया है। फटाफट से दद्दू मेरे को मेरी पावर भी दो। स्पाइडी पुत्र तेरी पावर भी तुझे मिल चुकी है, अब टेस्ट कर ले फटाफट से।
अरे थैंक यू दद्दू, मेरे को तो मेरी पावर मिल गई, मैं कितना फास्ट हो गया हूँ, और भी बहुत सारी पावरें मिल गई हैं। तो गाइस मुझे कमेंट सेक्शन करके बताना कि कौन कौन मेरी एविल टीम में आना चाहता है, पावर तुम लोगों को कैसी लगी गॉड लेवल की स्पाइडी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाय। Yeah.